तो बच्चों आज हम देखेंगे नाटक। क्या देखेंगे? नाटक। और ये नाटक है किस बारे में? ये है हमारा डेंगू के बारे में। किस बारे में? इसमें हम जानेंगे कि डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, हमें डेंगू हो जाए तो कैसे पता चलेगा और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आप सब रेडी हो? स्टार्ट करें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो एक में तो 5 रुपया फोन लेके आओ, डर तो अच्छा है। मैं 5 रुपया ही पहले जाओ तो चलते भी है, रोज चल कर आई। देख मैं तुम कल लेता दे समोसा खा के आओ बेटे बाजार में। मैंने गयो का मैंने समोसा ना मक्खी आई वही देखी। मैं हूँ मच्छर। आज मेरा मीठा घूम पीने का मन लग रहा है। देखो देखो ये कौन खड़ा है, चलो खाने चलते हैं। मच्छर लग रहे हैं। ए फूल कैसे में मत डोल कर पूरी तो बाजू की बुसट पैर कर। ए मच्छर का कर लेंगे हमारा, मच्छर इतने से हम इतने बड़े। ए चल चल फिर। आप देख रहे हैं एक बच्चा अपने घर आया है और हैंड वॉश से हाथ धो रहा है और सैनिटाइज कर रहा है अपने आप को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बच्चा आया और आराम से सो गया, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं तीसरे दिन। और भाई कैसा हाल है? यार पेट में दर्द है रोए। चल पढ़ा के गावे चलना है। तू जा मैं ना जा रहा हूं। चल मैं तो जा रहा हूँ। तो जैसे आपने देखा अगले दिन बच्चे की थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होने लग जाती है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। अरे भैया तो सत्य सो दिख रो है, माथे में और आंखों में दर्द सो है रो है। कुछ खा लेना है का? पेट में ही दर्द है रो है। मारो अच्छी तरह खाया। अरे भैया 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 कहाँ है वो भैया? देखो भैया कहाँ है वो भैया? देखो देखो कहाँ है वो? चल चल जल्दी कहाँ खड़ा है, जल्दी कहाँ है वो? तो पलटी कैसे आला करी, कहाँ है वो? डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलो भाई भैया कहाँ है वो? बीमार है वो, आज गिर पड़ो 2-3 दिन आते बीमार पड़ो है। चलो तो मैं चल डॉक्टर के पास ले आ रहे। चलो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब देखेंगे कहाँ है वो। नहीं सही है बेटर मई इसे गिरने से बुखार था। 2-3 दिन से बीमार है। ए भाई 2-3 दिन वो डेंगू मुझे ज्यादा फैल रहा है, मैं इसको दवा नहीं दूंगा, पहले इसकी इसकी जांच करा के लेके आऊं। पर्ची दे दो काट कर जांच। ले बहनी देख लो जांच है हम डॉक्टर ने लिखी है। अच्छा इनकी जांच करानी है, चलो इनको लेटाओ। आज बहन जी अब रिपोर्ट कब मिलेगी? आप आज लोगे तो 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा और नहीं तो कल ही मिलेगी। आज ही लेंगे तो 2-3 घंटे बैठ जाओ। तो अब देखते हैं 2-3 घंटे बाद क्या रिपोर्ट आती है। अच्छा रिपोर्ट आई। किशन कुमार ये लो लो डॉक्टर साहब रिपोर्ट आई है। क्या है इस रिपोर्ट में? इसे डेंगू है, तुमने लापरवाही कर दी। तुम 2-3 दिन पहले क्यों ले गए इसे? इसे जल्दी से एडमिट करो। साहिल राजकुमार शिवम जल्दी से इसे ले जाओ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।
और ये बताओ ये डेंगू होता कैसे है? ये किसी मच्छर के काटने से होता है, और ये कोई रोगी होता ना, रोगी से बीमारी हो कोई और उसे ये मच्छर काट ले, उस मच्छर में वायरस हो जाता है, और वही किसी और को व्यक्ति को काट ले, वो वायरस उस व्यक्ति में आते हैं और उसको बीमारी हो जाती है। और इसे हमें पता कैसे चलता है कि ये डेंगू हो गया? तेज बुखार, सर दर्द, हड्डियों में दर्द होगा, उल्टी होंगी, और तीन चार दिनों बाद लाल दाने होंगे शरीर पर। और इससे बच के कैसे रहना चाहिए? पूरे बाजू के कपड़े पहने, पानी भरकर तुम्हें रखा है तो उसे ढककर रखें, यदि 2 दिन से ज़्यादा तुम्हें बुखार है तो डॉक्टर के पास संपर्क करें। और ऐसा कोई इलाज नहीं है घर बैठे ऐसा सकता है? नारियल का पानी, पपीते के पत्ते का रस, बकरी का दूध, गिलोय का पानी और केवी का फल उसे खाए और पीए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे छोटे छोटे से बच्चों ने एक प्ले के माध्यम से बताया कि डेंगू होता कैसे, कैसे ये फैलता है, कैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे इसका इलाज किया जाता है। तो आप सबने सुना कि डॉक्टर साहब ने इसके क्या क्या लक्षण बताए। पहला लक्षण, सिर में तेज दर्द। दूसरा, बुखार। तीसरा, हड्डियों में दर्द। चौथा, अगर ये बढ़ गया तो आपके शरीर पर लाल लाल दाने भी दिखाई देंगे। तो जब भी आपको सबसे पहले तो अगर बुखार आता है तो आप खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है? दूसरा, अगर ऐसी कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और तुरंत जांच करवाएं, रिपोर्ट लाएं और तब उसका इलाज कराएं, ठीक है? तो सभी बच्चों से, गाँव वालों से ये निवेदन है कि आजकल बहुत ज्यादा ये बीमारियां फैल रही हैं, इसे जागरूकता फैलाने के लिए हमारे बच्चों ने ये प्ले किया है। तो सभी लोग अगर ऐसा कुछ भी लक्षण दिखता है तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें और मरीज को जल्दी से जल्दी सही करें। धन्यवाद।